पहले जो है ये जब सरकार आई थी नीतीश कुमार की सरकार, तो पिछले पहले 5 वर्षों में अपराध में कुछ नियंत्रण हुआ था, स्पीडी ट्रायल हुए थे, शातिर अपराधी पकड़े गए थे, सज़ा मिल रही थी। लेकिन अब ये सब में ढिलाई हो गई है। अब जो है स्पीडी ट्रायल का पता नहीं चल रहा है और अपराध इतने बेतहाशा वृद्धि जो हो रही है, तो मेरा मानना है कि अपराध का नियंत्रण एक प्रोफेशनल वर्क है। जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे, जेल के अंदर नहीं जाएंगे, उन पर चार्जशीट नहीं होगा, उनको जल्दी से स्पीडी ट्रायल करके सज़ा नहीं दी मिलेगी, तो तब तक क्राइम कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरभट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पंकज। इन दिनों पटना में कहें तो क्राइम का ग्राफ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और आपराधिक जो है बेलगाम हो गए हैं, और कहीं ना कहीं अपराधी जो है दिन दहाड़े कभी नेताओं पे गोली चला दे रहे हैं, तो कभी आम आदमी, तो कभी बिजनेसमैन। कहीं ना कहीं आपराधिक जो घटनाएं हैं इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो अनकंट्रोल हो गया है। इसी सब मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व DGP अशोक कुमार गुप्ता जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए और आजकल जो प्रशासन है उनकी क्या कुछ कमी रह रही है कि क्राइम जो है इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। सर, सबसे पहले हरभट न्यूज़ में आपका स्वागत। धन्यवाद सभी श्रोताओं को, दर्शकों को हमारा अभिनंदन, होली की शुभकामनाएं, और आपके आर्यभट्ट चैनल को विशेष रूप से धन्यवाद और शुभकामनाएं। तो सर, देखा जा रहा है कि आप पूर्व DGP थे और अभी जो है क्राइम जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि दिन दहाड़े आपराधिक जो है वो किसी न किसी को गोली मार दे रहे हैं, गोली मार कर हत्या कर दे रहे हैं, आज बिजनेसमैन है उसको भी मार दे रहे हैं, या नेता हैं उनके घर भी फायरिंग कर दे रहे हैं। तो क्या कुछ वजह है क्राइम जो है अनकंट्रोल होने का? क्राइम बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, और बिहार क्राइम डेटा जो है 2016 से 19 का ये आंकड़े हमारे पास हैं, और इन आंकड़ों को भी देख सकते हैं, जिससे आंकड़े भी बता रहे हैं कि 2016 की तुलना में 2019 में जो अपराधों की कुल संख्या है उसमें 42% की वृद्धि हुई है, और हत्या के मामलों से ज़्यादा रेप के केस बहुत बड़े हैं, बलात्कार के महिलाओं के खिलाफ। किडनैपिंग के मामले 49% बढ़ गए हैं 16 की तुलना में 19 में, जो घटनाएं घटी हैं वो इतने 49% अधिक हैं। इस प्रकार से रोड रॉबरी, बैंक डकैती, इन मामलों में भी बहुत वृद्धि हुई है। बैंक में लूट की घटनाएं भी बहुत बढ़ गई हैं, और जनरल रॉबरी, चोरी, ये कांड में भी वृद्धि हुई है। और हम लोग आए दिन देख रहे हैं अखबारों में, पटना शहर में, पटना सिटी में और दूसरे क्षेत्रों में घटनाएं घट रही हैं। अभी सब लोग पटना में जानते हैं रुपेश सिंह की हत्या हुई, जो इंडिगो के मैनेजर थे। नौबतपुर में दो दो भाई जो है वो राइस मिल का उनका व्यापार था, जमाल रोड में रहते थे, वो लोग गए नौबतपुर में, वहाँ से गायब हो गए और अभी तक कुछ पता नहीं चला, घर लौट के आए नहीं हैं। और जेवरात लूट के भी बहुत केस हुए हैं, दरभंगा में हुआ, करोड़ों के जेवर दिन दहाड़े अपराधी लूट कर भाग गए, बैग में कस पूरा भर के, और CCTV कैमरा में भी आया, और कई केस पटना शहर में भी घटित हुए हैं। ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना, महिलाओं के चेन छीनने की घटना, या नित्य प्रतिदिन स्कूटर, टू व्हीलर स्नैचिंग की घटनाएं, तो घटनाएं काफ़ी हो रही हैं। और इसके जहां तक कारण का सवाल है तो कारण एक नहीं, बहुत सारे हैं। तो पहले जो है ये जब सरकार आई थी
नीतीश कुमार की सरकार तो पिछले पहले 5 वर्षों में अपराध में कुछ नियंत्रण हुआ था, स्पीडी ट्रायल हुए थे, शातिर अपराधी पकड़े गए थे, सज़ा मिल रही थी, लेकिन अब ये सब में ढिलाई हो गई है। अब जो है स्पीडी ट्रायल का पता नहीं चल रहा है और अपराध इतने बेतहाशा वृद्धि जो हो रही है, तो मेरा मानना है कि अपराध का नियंत्रण एक प्रोफेशनल वर्क है। जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे, जेल के अंदर नहीं जाएंगे, उन पर चार्जशीट नहीं होगा, उनको जल्दी से स्पीडी ट्रायल करके सज़ा नहीं दी मिलेगी, तो तब तक क्राइम कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो एक तो होता है प्रिवेंटिव कि पेट्रोलिंग कर रहे हैं, गश्ती कर रहे हैं, जो दागी अपराधी है उसको बराबर नज़र में रख रहे हैं, और दूसरा होता है कि इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन। तो इन सब में जो है कहीं ना कहीं कमी है। और पटना में काफ़ी जनसंख्या बढ़ गई, एक मेट्रो सिटी हो गया, 30 लाख से ऊपर मान लीजिए यहाँ का पॉपुलेशन हो गया शहर का, इतने लोग राज्य के आके यहाँ पे रहने लग गए हैं, बहुत सी बस्तियाँ, झुग्गी झोपड़ी, स्लम्स बढ़ गए हैं, तो पटना एक मेट्रो सिटी हो गया। और यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था वही एक चली आ रही है, थाना में जो सीमित संख्या में पदाधिकारी बल हैं, संसाधन जो होते हैं बहुत कम है अपराध की तुलना में, और जनसंख्या के अनुपात में जो पुलिस बल होना चाहिए उसमें बहुत कमी है। और पटना एक फिट केस है जहां पुलिस कमिश्नर का सिस्टम जो है, अभी यूपी में देखिए उन्होंने लखनऊ में और कुछ बड़े शहरों में यूपी की सरकार ने इसको लागू किया है, तो पटना में भी पुलिस कमिश्नर का सिस्टम आ जाना चाहिए, ताकि एक वरीय पदाधिकारी एडिशनल डीजी रैंक के पुलिस कमिश्नर हो, और पूरे शहर को छोटे छोटे एरियाज में बांट के एसपी, जिसको डीसीपी कहते हैं, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में पहले से है, और यूपी में हाल में शुरू किया गया है, साउथ इंडिया के सभी राज्यों में जो है, मद्रास हो, चेन्नई हो, केरल हो, कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, सब जगह पुलिस कमिश्नर बड़े बड़े शहरों में हैं। तो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स अधिक संख्या में रहते हैं, डीसीपी, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, एडिशनल सीपी, और पुलिस कमिश्नर हेड होता है वो कभी डीजी या एडिशनल डीजी रैंक का होता है, तो सीनियर ऑफिसर्स होंगे। और थाना का इंचार्ज एक डीएसपी होता है, जिसको एसीपी बोलते हैं, हमारे यहाँ दरोगा है, सब इंस्पेक्टर, या कहीं कहीं इंस्पेक्टर है इंचार्ज, एसएचओ, तो एसीपी होता है, और उसके अधीनस्थ काफ़ी संख्या में जूनियर ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस कांस्टेबल होते हैं, गाड़ियाँ कई होती हैं मोबाइल के लिए, तो पुलिस की व्यवस्था में भी कमी है। और पुलिस को बहुत सारा दूसरा काम, मद्य निषेध प्रोहिबिशन जो आया, अब थाना को जिम्मेदारी है कि शराबबंदी को वो लागू करे, फिर ये बालू है, गिट्टी है, ये सब का भी जो स्मगलिंग होता है, इलीगल माइनिंग होता है, अब पुलिस को वो काम भी दे दिया गया है कि आप भाई रोकिए। तो एक और जहां पुलिस का ड्यूटी बढ़ गया, वहीं क्या हुआ कि इन सब खास करके शराबबंदी और ये इलीगल माइनिंग में प्रलोभन बहुत है, तो इसके चलते नीचे के तंत्र में खास करके कई जगह भ्रष्टाचार काफ़ी फैल रहा है, और पुलिस के पदाधिकारी को जहां समय क्राइम कंट्रोल में देना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में ज़्यादा वो समय दे देते हैं, क्योंकि राजधानी में विधि व्यवस्था की समस्या होती है, तो करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर में ज़्यादा ये जो है संलिप्त हो जाने से और बिजी हो जाने से क्राइम पर इतना फोकस जो होना चाहिए वो पुलिस का वो नहीं हो पा रहा है, तो इसके चलते क्राइम यहाँ बढ़ रहा है। जो आप अपने समय में जब थे सर डीजीपी थे,
तो उस वक्त क्राइम क्या होता था, इतना बड़ा था कि कुछ कंट्रोल में था? देखिए, क्राइम तो हमेशा होता रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन अगर पुलिस के पदाधिकारी और उनके सीनियर ऑफिसर्स एक्टिव रहें तो क्राइम काफ़ी कुछ कंट्रोल में रहता है और जनता अमन चैन से अपने काम कर पाती है, तो पैनिक नहीं होता है, दहशत की स्थिति नहीं होती है। तो इधर कुछ वर्षों से ये बिल्कुल लगता है कि अपराधी बेलगाम हो गए हैं और क्राइम बेतहाशा वृद्धि हो रही है और एक्शन का में कमी है, जिसके चलते आम जनता संतुष्ट नहीं हो पा रही है कि पर्याप्त एक्शन जो होना चाहिए, इफेक्टिव एक्शन पुलिस तंत्र के द्वारा, वो नहीं हो पा रहा, तो जनता की चिंताएं बढ़ रही हैं। तो अभी का कुछ वर्षों का तो यही सिलसिला चल रहा है। तो एक्टिव होने के लिए क्या कुछ अभी प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन मौजूद हैं, जो DGP, उन्हें क्या कुछ करना चाहिए क्राइम पे कंट्रोल करने के लिए? क्राइम कंट्रोल के लिए जो है काफ़ी प्रयास करना होगा, और जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जिला के SP होते हैं और उनके ऊपर जो पदाधिकारी होते हैं, तो खास करके जिला का SP किंग पिन होता है, उसके अधीन सभी थाना प्रभारी SHOs रहते हैं, तो इन लोगों को फोकस्ड होके FIR जो होता है, जो क्रिमिनल्स रिकॉर्ड में है, उनका धर पकड़ और उन पर लगाम लगाना, चार्जशीट करना और स्पीडी ट्रायल करा के सज़ा दिलवाना, और जो लोग जेल से छूट के आ गए हैं, जमानत पर होते हैं, तो एक क्राइम कंट्रोल एक्ट का भी प्रावधान है कि कोई पेशेवर अपराधी है, वो हत्याएं करता है, क्राइम अगेंस्ट बॉडी, बलात्कार करता है या संपत्ति के विरुद्ध डकैती, चोरी, लूट के कांड करता है, जिसके बाहर रहने से आम जनता में दहशत हो जाती, तो ऐसे लोगों के लिए क्राइम कंट्रोल एक्ट भी बिहार सरकार ने बनाया है, जिसके सेक्शन 12 में डिटेंशन का प्रस्ताव है 1 साल के लिए, तो उसमें हाई कोर्ट से कंफर्मेशन होता है, एडवाइजरी बोर्ड करती है, तो CCA भी एक प्रभावकारी कदम है क्राइम कंट्रोल एक्ट में, जो गुंडा तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, उन पर मतलब जिला प्रशासन को SP और DM का भी उसमें रोल होता है, तो इन लोगों को मिल के ना अपराधियों पर अंकुश लगाना होगा, तो और सरकार को जो भी कमी है, पुलिस तंत्र को स्टाफ की कमी है, पुलिस बल में कमी है, वाहन में कमी है, तो इन बातों को पूरा करना होगा जो कमी है, और DG पुलिस का मुख्य रोल है एक इन सब व्यवस्था को देखना, पूरा कराना, सरकार से जो भी चीज़ रिसोर्सेस चाहिए पुलिस विभाग को, वो उसको प्राप्त करवाना, और अधीनस्थ जो SP DIG IG एडिशनल DG होते हैं, उनका मनोबल ऊंचा रखना, तो मनोबल ऊंचा रहना चाहिए, छोटे मन से, बुझे मन से कोई काम नहीं होता, इसीलिए मोरल हाई होना चाहिए पुलिस तंत्र का, तो सीनियर ऑफिसर्स का ये काम है, हेड ऑफ द पुलिस फोर्स का ये काम है कि पुलिस का मोरल हाई रहे और उसके पास सारे सुविधाएं रहे, रिसोर्सेस, ताकि वो सही ढंग से अपने कार्यों को पूरा कर सके। अभी सर, जहां तक देखा जा रहा है कि क्राइम जो कर रहे हैं वो नौजवान युवक हैं या नाबालिग बच्चे जो हैं, ज़्यादातर क्राइम में संलिप्त हो रहे हैं और पकड़ा भी रहे हैं, तो क्या वजह रहती होगी कि बच्चे जो है क्राइम में आ जा रहे हैं, नाबालिग हो या युवा वर्ग के बच्चे हैं? बहुत बड़ा कारण है अशिक्षा, लैक ऑफ एडुकेशन, और जो पढ़े लोग हैं उनकी बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, वो गांव हो या शहर हो, गांव के लोग, यूथ, युवा वर्ग शहर में काम की तलाश में आते हैं और काम मिलता नहीं है, काम की कमी है, बिहार का जिस रफ्तार से
औद्योगिकरण होना चाहिए था, वो नहीं है, इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ बहुत कम है। सरकारी नौकरियाँ पहले से कम हैं और उसमें भी जो है बहाली समय पर नहीं हो पाती है, कहीं कहीं शिकायत भी मिलती है बहाली होने से जहाँ किए जाते हैं। तो प्राइवेट जॉब्स की बहुत कमी है, इसके लिए आप जानते हैं बिहार के 50 लाख से अधिक लोग जो है बाहर चले गए हैं दूसरे राज्यों में काम करने के लिए, जिस माइग्रेशन जो होता है लेबर का हो या जो छोटे मोटे काम करने के लिए होता है फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, दिहाड़ी मजदूर हैं, फार्म लेबर है, किसान खेतों में काम करवाते हैं। तो 50 लाख से अधिक बिहार के युवा वर्ग और ये काम करने वाले लोग दूसरे राज्यों में पलायन कर गए हैं। तो स्थिति बहुत ही दुरूह है और बेरोज़गारी की समस्या, शिक्षा की समस्या है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षक ढंग से पढ़ाते नहीं हैं, रहते नहीं हैं पढ़ने के समय, और अभी तो पिछले एक साल से कोरोना का भी कुछ असर पड़ा है शिक्षा और दूसरे क्षेत्रों में। तो कुल मिला के मतलब आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति बहुत ही भयावह है, जिसका कुप्रभाव अपराध की स्थिति पर पड़ रहा है। और ये लोग युवा वर्ग जो आपने चर्चा की, युवा वर्ग अपराधों में संलिप्त हो रहा है, क्योंकि पैसे तो चाहिए। और आजकल जो टीवी और मीडिया और इन सब के माध्यम से युवा वर्ग देखता है, उसकी एम्बिशंस बहुत बढ़ गए हैं, और उस प्रकार से कमाई जब नहीं होगी तो अपराध करेगा। तो ये भी एक वजह होती है युवा वर्ग के अपराध की तरफ आकर्षित होने के लिए। तो ये सब कुछ कारण है, लेकिन पुलिस तंत्र अगर ठीक से काम करे तो काफ़ी हद तक अपराधों को नियंत्रित किया जा सकता है। धन्यवाद। तो देखा आपने कि हमारे साथ पूर्व DGP अशोक कुमार गुप्ता जी थे, और क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए उन्होंने बताया, और बहुत सारी और भी बातें उन्होंने बताया कि किस प्रकार क्राइम बढ़ रहा है तो इसका वजह क्या हो सकता है, सारी चीज़ों को उन्होंने बारीकी से समझाया है। फिलहाल तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल आर्यभट्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पे जाके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और Facebook पे लाइक करें, और Insta Twitter पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब तक के लिए आप देखते रहें आर्यभट्ट न्यूज़। नमस्कार।